तो गाइस हिबिस्कस की इस बर्ड्स फॉलिंग को अगर आप लोग रोकना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हेलो गाइस, तो फिर सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नया वीडियो के साथ। गाइस हम सभी के घर में तो हिबिस्कस का प्लांट जरूर रहता है, लेकिन हिबिस्कस प्लांट में एक जो मेन प्रॉब्लम होता है वो है इसके बर्ड्स जो है कभी कभी बहुत ही झड़ जाते हैं, और बर्ड्स झड़ने के कारण हमें फूल भी बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग हिबिस्कस प्लांट में जो बर्ड फॉलिंग होते हैं उसे रोक सकते हैं। हिबिस्कस की इस बर्ड्स फॉलिंग को अगर आप लोग रोकना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी तरह से बताऊंगा कि कैसे हम लोग इस बर्ड फॉलिंग को रोक सकते हैं। तो गाइस वीडियो आपको पूरा जरूर देखना है, अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के चले वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। हिबिस्कस के बर्ड फॉलिंग के तीन मेन रीजंस मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। गाइस नंबर 3 पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा बर्ड फॉलिंग का, वो पॉइंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस पॉइंट को आपको जरूर से जरूर देखना है। पहला नंबर कारण है पानी का कम होना। गाइस तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, हम कभी कभी अपने प्लांट में जो है पानी देना भूल जाते हैं। प्लांट में अगर पानी कम होगा तो प्लांट का जो बड है वो झड़ जाएगा, इसलिए आपको गर्मी के मौसम में कम से कम दिन में 2 बार पानी देना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मतलब सुबह 1 बार और शाम को 1 बार पानी जरूर से जरूर प्लांट में दिया कीजिए। अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पे। सेकंड नंबर पॉइंट ये है कि कभी कभी प्लांट में हम लोग का फर्टिलाइजर देना भी बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर ठीक टाइम पे हम लोग प्लांट पे फर्टिलाइजर नहीं अप्लाई करते तो प्लांट जो है अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाता है, और प्लांट का जो है बर्ड्स झड़ जाते हैं और प्लांट भी काफी ज्यादा वीक हो जाता है। तो इसके लिए हमें प्लांट पे रेगुलर बेसिस पे फर्टिलाइजर अप्लाई करना बहुत ही जरूरी होता है। के बर्ड्स झड़ने का जो नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये पॉइंट है कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्कार्सिटी, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब कम हो जाता है अपने प्लांट में तो ही प्लांट में छोटा छोटा बर्ड्स झड़ जाता है, इसका पत्ते भी पीला पड़ जाता है। मैं आज आपको एक सॉल्ट के बारे में बताऊंगा जो आप यूज करेंगे तो आपका जो हिबिस्कस में बर्ड फॉलिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इस सॉल्ट का नाम है एप्सम सॉल्ट। ये बिल्कुल चीनी के दाने जैसा दिखता है, ये आपको किसी भी फर्टिलाइजर के दुकान में मिल जाएगा। आपके घर में किसी भी चम्मच का 1 चम्मच आप एप्सम सॉल्ट का लेंगे और किसी 1 लीटर बोतल के पानी में इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे, और फिर आप लोग इस एप्सम सॉल्ट और पानी के मिक्सचर को किसी स्प्रे बोतल में डालने के बाद उसे अच्छी तरह से पूरे प्लांट में जो है स्प्रे कर देंगे, और ये आप लोग 7 दिन के गैप में अच्छी तरह से हर एक हिबिस्कस के प्लांट में, आपके गार्डन में जितने भी हिबिस्कस के प्लांट होगा उसमें आप लोग स्प्रे कर देंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि आपका हिबिस्कस का प्लांट में जो बहुत ही अच्छी तरह से जो है ये लीव्स बहुत ही डीप ग्रीन दिखेंगे और इसका पार्ट्स भी बहुत ही अच्छे बड़े बड़े दिखेंगे। एप्सम सॉल्ट स्प्रे करने के बाद मेरे प्लांट में जो बर्ड्स आई उनका साइज देख लीजिए, और कुछ दिन पहले जब मेरे प्लांट में बहुत ही ज्यादा बर्ड फॉलिंग हो रहा था उसके तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइज ये मेरा उसी हिबिस्कस प्लांट में कितना ज्यादा बर्ड फॉलिंग हुआ है, आप लोग बस देख लीजिए इतना बड़े बड़े बर्ड्स कितना अच्छा फूल होता, और ये जो है पूरा पेड़ से गिर चुका है। तो गाइज आप लोग भी अगर चाहते हो कि आपके प्लांट में बहुत अच्छी तरह से हिबिस्कस का ग्रोथ हो, उसका जो बर्ड है वो फॉल ना हो, तो मेरा दिया हुआ टिप्स आपको जरूर से जरूर फॉलो करना है, और एप्सम सॉल्ट का भी आपको प्लांट पे स्प्रे जरूर ही करना है। वीडियो के एंड में आए हो तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस एक लाइक तो कर ही देना। चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस तरह का प्लांट रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।